हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है स्किल मुंबई। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी लाए हैं, जैसे कि कभी कभार आप साइट पे विजिट करते होंगे या आपके घर पर खुद का कैमरा अगर लगा हुआ होगा तो अगर माउस काम करना बंद कर दे तो उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने मोबाइल से हम DVR को एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल से DVR को कंट्रोल कर सकते हैं और DVR को ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी सेटिंग्स कैसे होती है, तो आप हमारा वीडियो एंड तक देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, ये हिकविजन का DVR है। यहाँ पर सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक मेनू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद DVR आपको पैटर्न पूछेगा। अगर आपका DVR पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको पासवर्ड या तो पैटर्न डालना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो मेनू का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको ये जो ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर जो नेटवर्क है उस पर आपको जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर IP का ऑप्शन आ रहा है। ये IP का ऑप्शन तभी आएगा जब आपका DVR राउटर से कनेक्टेड हो। राउटर से अगर आपका DVR कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपको IP दिखेगा। हमारा IP एड्रेस है 192.168.1.106। दोस्तों, अगर आपको आपके मोबाइल पे कॉन्फिगर करना है तो आपका मोबाइल भी उसी राउटर से कनेक्ट होना चाहिए जिस राउटर से आपका DVR कनेक्ट है। अगर आपका DVR और मोबाइल एक ही राउटर से कनेक्ट है तो ही आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं मोबाइल की ऑपरेटिंग, मोबाइल की सेटिंग के बारे में, किस तरह से मोबाइल के थ्रू आप अपना DVR रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। आइए चलते हैं। तो अभी हमें मोबाइल के ऊपर चलना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में हमें हिक कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करना है। हिक कनेक्ट, यहाँ पर ये ऐप जो है मेरे फोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड डिवाइस पर हम चले जाएंगे। ऊपर आप देख सकते हो एक पेंसिल का मार्क है, उस पेंसिल के मार्क पे क्लिक कीजिए। इट इज अ ऑप्शन ऑफ एडिट। अब आपको यहाँ पर हिक कनेक्ट डोमेन जहाँ पर लिखा हुआ है एडिंग टाइप के अंदर, वहां पर आपको क्लिक करना है और IP डोमेन पे आपको सिलेक्ट करना है। IP डोमेन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने डिवाइस का नाम डालना है, तो डिवाइस के नाम में मैं यहाँ पर स्किल मुंबई लिख देता हूँ। उसी के जस्ट बाद में आपको एड्रेस में अपना IP एड्रेस लिखना है DVR का, तो 192.168.1.106। ये जो IP एड्रेस हमने DVR में देखा था वही IP एड्रेस आपको इसके अंदर फीडअप करना है। नेक्स्ट आता है पोर्ट नंबर, इसे आपको डिफॉल्ट रखना है। उसके बाद में आपको यूजर नेम डालना है ADMIN और पासवर्ड डालना है अपने DVR का, तो वो मैं झट से फीडअप कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप ऊपर एक ऑप्शन देख सकते हो फ्लॉपी का, उसी फ्लॉपी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपका डिवाइस सेव हो जाएगा। सेव होते ही आपको यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो राइट साइड पे डाउन साइड पे तीन पॉइंट बने हुए हैं, यानी कि तीन लाइन बने हुए हैं, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो रिमोट कंट्रोलर लिखा हुआ है, इस रिमोट कंट्रोलर पे क्लिक करिए। रिमोट कंट्रोलर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीन मिल चुका है, यानी कि कंट्रोल करने के लिए आपको एक लेफ्ट साइड एरो दिख रहा है, राइट साइड एरो दिख रहा है, अप डाउन, और उसके बाद में नीचे आप देख सकते हो मेनू के लिए एक ऑप्शन दिया गया है तीन लाइन दिखाकर, और यहाँ पर बैक का ऑप्शन है। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि नीचे लेफ्ट साइड पर आपको एक मेनू का बटन है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने मेनू अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हो लेफ्ट में या राइट में, आपको ड्रैग करना है, डाउन ड्रैग करना है, अप ड्रैग करना है। नीचे बैक का बटन दिया हुआ है, आप नीचे बैक पे क्लिक करोगे तो बैक चला जाएगा।
आपको अगेन मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जा सकते हो। इस तरीके से आप मोबाइल के ऊपर सारा पूरा का पूरा डीवीआर कंप्लीट आप ऑपरेट कर सकते हो, इवन आप इसमें टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेबैक के अंदर में चला गया। प्लेबैक के अंदर जाने के बाद में आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद में आप इसे अप डाउन सिलेक्ट कर सकते हो, जहां पर भी आपको जाना है। उसके बाद में लेफ्ट जाइए, अगेन आप यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क के अंदर चला गया मैं। डाउन लेफ्ट, आप जहां पर भी आप स्लाइड करोगे वहां जाएगा। बैक करना है, आप बैक कर दीजिए। इस तरीके से आप एक बार आइडेंटिटी करके देख लीजिए, काफी मजेदार चीज है। बट ये जो मैंने आपको टेक्निक बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ हिकविजन में पॉसिबल है, बाकी किसी भी कंपनी के डीवीआर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक उन्होंने ये चीज डेवलप नहीं किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन हिट करिए। थैंक यू वेरी मच।